प्यारे बच्चों, आज पाठ तीन के जो धातु अधातु जो हमारा पाठ है उसका हमारा जो टॉपिक है वो 3.3 धातुएं और अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं, ये हमारा टॉपिक है। एक तरफ धातु और एक तरफ अधातु कैसे क्रिया करती हैं। लेकिन ये क्रिया करने से पहले एक हम प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, आप प्रश्न ये लिखा हुआ है, प्रश्न ये है कि उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं और ये उत्कृष्ट गैसें अक्रियाशील क्यों होती हैं, क्रिया क्यों नहीं करती हैं किसी से। तो सबसे पहले बच्चों, हम उत्कृष्ट गैसों के बारे में हम देखते हैं कि उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी होती हैं। जैसे बच्चों, एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये बच्चों इसको हम देखते हैं। हीलियम, बोलेंगे मेरे साथ, बोलो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन, ये बच्चों गैसें हैं और ये गैसें बिल्कुल क्रिया नहीं करती हैं। ये प्रश्न ये आता है कि ये किसी धातु से, अधातु से, किसी से भी क्रिया क्यों नहीं करती हैं। ये हमारी किताब में प्रश्न दे रखा है कि उत्कृष्ट गैसें किसी भी धातु अधातु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं या अभिक्रियाशील क्यों नहीं होती हैं। ये जो गैसें होती हैं इनके संयोजकता कोष पूरे भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं बोलो? संयोजकता कोष। इनके संयोजकता कोष कैसे होते हैं? पूरे भरे होते हैं। पूरे भरे होने की वजह से ये धातुएं क्रिया नहीं करती हैं। बिल्कुल प्रश्न क्लियर हो गया, प्रश्न का उत्तर भी क्लियर हो गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि संयोजकता कोष किसे कहते हैं। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। उत्कृष्ट धातुएं कौन कौन सी हैं? बोलेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। ये अक्रिय क्यों होती हैं, क्यों क्रियाशील नहीं करती हैं? बोलेंगे क्योंकि इनके संयोजकता कोष पूरे भरे हुए रहते हैं। जब पूरे भरे हुए हैं तो ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। अब बच्चों, ये हमारा एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न हम बात करते हैं कि संयोजकता कोष किसे कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है। अष्टक नियम, कोई भी जो परमाणु होता है, कोई भी परमाणु अपना जो बाहरी कोष होता है, सबसे बाहर वाला कोष, हमने देखा था कि इनके कई सारे कोष होते हैं। आपको याद हो, ये परमाणु का नाभिक है, परमाणु का जो पहला ऊर्जा स्तर होता है इसको क्या बोलते हैं हम? के। दूसरा ऊर्जा स्तर को क्या बोलते हैं? एल। तीसरे वाले को और चौथे वाले को एन। तो पहला वाला हो गया हमारा के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन। ये चार ऊर्जा स्तर होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन भरे जाते। हमें बता था कि पहले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दूसरे वाले ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चौथे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? 32 होती है। प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि उसके बाहरी कोष में अष्टक पूरा होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बाहरी कोष में। ये अष्टक नियम होता है। जब जाकर के वो स्पीसीज, वो परमाणु स्थाई हो पाता है। स्थाई होने के लिए अब वो क्या काम करता है? अगर मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो क्या काम करेगा वो? मान लो किसी के पास 8 होने में एक ज्यादा है तो क्या काम करेगा वो? एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? बाहर। बोलो बाहर। क्या कर देगा? निकाल देगा। किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या काम करेगा? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो दो तरीका होता है बच्चों। कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए तीन तरीके अपनाता है। देखो, सबसे पहले, वैसे तो और भी तरीके हैं लेकिन मेन तीन तरीके हैं। सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन का क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्या काम करेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग देगा, बाहर निकाल देगा। ज़्यादा हुए तो बाहर निकले भाई, बाहर निकलो। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम हुए तो क्या काम करेगा वो? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा।
और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है बच्चों आपस में साझा कर लेते हैं, एक तू मनद है एक तू मनद है, तो तारा गोडे भी आठ हो जाओगा, हमारे गोडे भी आठ हो जाओगा भाई, जैसे मेरे पास सात हैं तेरे पास इसके पास भी सात हैं, तो क्या काम करेंगे, एक तू मनद है एक मुँह तन दूँ, तो दोनों का भी आठ हो गया, तारा भी आठ मारा भी आठ, तो तीन तरीके हुए हमारे सामने। बोलो क्या काम करते हैं, त्या इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, बोलो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और दूसरी बात है इलेक्ट्रॉनों का क्या काम करते हैं, साझा करते हैं। अब प्रश्न यह आता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को कौन त्यागता है, इलेक्ट्रॉनों को कौन ग्रहण करता है, अष्टक नियम से, पहले तो अष्टक नियम समझ में आ गया, अष्टक नियम क्या है, कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोष में अपने संयोजकता कोष में आठ इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, यही अष्टक नियम कहलाता है। क्लियर होगी बात समझ में, इसके लिए वो क्या काम करता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉनों का क्या काम करता है, जोर से बोले, दूसरा क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तीसरा क्या काम करता है, साझा करता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि किस प्रकार धनायन बनते हैं और किस प्रकार ऋणायन बनते हैं, देखते हैं हम। पहले नंबर पे बच्चों धातु की बात करते हैं, जो धातुएं होती हैं बच्चों, जितनी भी मेटल्स हैं, कोई सी भी मेटल्स की बात कर लेते हैं हम, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसके बाद कॉपर, जिंक, सिल्वर, और हम तो ये तो गोल्ड तो बहुत कम क्रियाशील होते हैं इसलिए नहीं लिख रहे, कोई सी भी धातुएं, सारी की सारी मैंने बोर्ड पे लिखी है, सारी की सारी धातुएं हैं। धातुओं की एक विशेषता होती है जो इंपॉर्टेंट विशेषता है, सबसे मेन विशेषता है, इसी वजह से इनको धातुएं कहा जाता है, मेटल्स कहा जाता है। इनकी जो इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि ये इलेक्ट्रॉनों का त्यागती हैं, क्या काम करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को बाहर, और इलेक्ट्रॉनों को जब बाहर निकाला जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, धन आयन, क्या बनता बच्चों, धन आयन। सबसे पहले मैं सोडियम का उदाहरण लेकर के बताता हूं, देखना ध्यान से सुनना, देखे सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों कितना है, बोलो 11, सबको याद है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हम यहां पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब यह है कि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, बोलो दो, पहले के वाले में। दूसरे वाला जो ऊर्जा स्तर आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब 10 तो ये हो गए, अब एक ही बचा, और तीसरे वाले में कितने ऊर्जा, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक। अब इसका अष्टक पूरा होने के लिए सोडियम क्या काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो देखना अभी ये सोडियम है, सोडियम के बाद अब क्या काम करेगा, सोडियम बच्चों, ये सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलेंगे 2, 8, 1। इसके बाद इसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, बाहर निकाला एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसके ऊपर धनावेश आ जाएगा, एक धनावेश आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले तो बरोबर बरोबर था, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, तो जीरो रहता था। जैसे ही माइनस एक बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस पर धनावेश बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, नहीं तो इस पर क्या आ गया, अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, बोलेंगे 2, 8। तो बोलेंगे धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाती हैं, बोलो क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। अब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 12 होता है। इसका मतलब ये बताइए आप, मैग्नीशियम के परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, पहले कक्षक में बोलेंगे 2, दूसरे में इसके बाद तीसरे ऊर्जा स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। ये हो गए, ये मैग्नीशियम हो गया। अब मैग्नीशियम क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, देखते हैं हम। तो एक बात, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता, बाहर निकालते इसका क्या हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं हम, मैग्नीशियम, ये हमारे मैग्नीशियम है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2, 8, 2, ठीक है।
इसके बाद ये क्या काम करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा बोलो, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। और इस पर दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते इस पर आवेश कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस टू आ जाएगा। ये क्या हो गया बोलो, मैग्नीशियम धन आयन। जो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी इसका एक ही उद्देश्य बताने का सिखाने का ये था, धातुएं बोलेंगे धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके इलेक्ट्रॉन का क्या काम करती हैं, त्याग करके क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। क्या आपको समझ में आ गया, धन आयन कौन बनाती हैं, धातुएं जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं अधातुओं पर। घड़ी ले आया मैं कन्हैयालाल, देख घड़ी आ गई, आ गई घड़ी आ गई, अब न मांगनी पड़े तो सू। इसमें डलाया मैंने 20 रुपए का सेल, कितने रुपए का, मेरी जो ओरिजिनल वाली थी ना टाइटेनिक की घड़ी, वो तो पाई नहीं, टाइटन की, टाइटेनिक नहीं, टाइटन की, टाइटेनिक तो एक जहाज था ना, पता है आप लोगों को टाइटेनिक जहाज था जो समुद्र में, किस किसने फिल्म देखी टाइटेनिक, अनिल देख ली तूने, तूने बंटी, मैंने भी देख ली। पहले हम जब पढ़ते थे उस समय चलती थी टाइटेनिक फिल्म, गजब की थी, बहुत सारे लोग देखने जाते थे इसको, अच्छी फिल्म। एक टाइटेनिक जहाज था बच्चों, वो टाइटेनिक जहाज क्या हुआ, खतरनाक स्पीड में चल रहा था, खतरनाक, और रात था, रात का अंधेरा था, स्पीड उसकी खतरनाक थी, और एक शर्त लगी हुई थी कि भाई, शर्त थी कि भाई इतनी दूरी इतने कम समय में प्राप्त वहां पहुंच जाएंगे। तो मतलब वो दुनिया को यह बताना चाह रहे थे कि हमने इतनी स्पीड, हाई स्पीड वाला हमने एक जलयान बनाया है। तो बच्चों रात को चल रहा था जहाज, रात को चल रहा था, रात के अंधेरे में फुल स्पीड में था, और आप जानते हैं जब ठंडा पानी होता है तो कभी कभी उस पानी में ग्लेशियर आ जाते हैं, बड़े बड़े बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ आ जाते हैं, बड़े बड़े चट्टाने आ जाती हैं। इतनी हाई स्पीड में था कि जब तक जहाज के कैप्टन को दिखता, इससे पहले तो वो जहाज किससे टकरा गया, बर्फ की चट्टान से टकरा, बर्फ की चट्टान से टकराते ही जो जहाज था टाइटेनिक वो छत विछत हो गया, टूट गया, फूट गया, छेद हो गए, इधर उधर से पानी भर गया, और अल्टीमेट उन्होंने खूब सिग्नल दिए बचाने वालों को, लेकिन रात का अंधेरा था, लोग पता ही नहीं था दूसरे आसपास थे या नहीं थे, लेकिन उनको कोई बचाने नहीं आ पाया, और जितने भी यात्री उसमें सवार थे सारे के सारे पानी में डूब गए। हो सकता था कि तैर के निकल भी जाते, लेकिन बच्चों जहाँ पानी चल रहा था समुद्र में, उस समुद्र का पानी बिल्कुल चिल्ड था, चिल्ड का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केवल लिक्विड अवस्था में था, वो ठंडा पानी था। जैसे वो लोग मान लो कोई तैर करके भी सर्वाइव कर सकता था कि तैर के, हो सकता है कि सुबह तक तैरते मछली वछली जलीय जंतु से भी बच जाता, मान लो नॉर्मल वाटर होता, मान लो बचा तो दूसरे बचा लेते, लेकिन पानी इतना चिल्ड था कि वो ठंड से ही उनका खून जम गया। बहुत सारे जिनको तैरना नहीं आता था वो डूब के मर गए, जिनको तैरना आता था वो थोड़ी बहुत उन्होंने हाथ पैर भी चलाए, लेकिन खून जमने से फिर वो मर गए। और ये इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी में गिनती मानी जाती है इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं अधातु, अधातुएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों, देखेंगे जैसे कि नाइट्रोजन एक अधातु है, ऑक्सीजन एक अधातु है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, ये बच्चों क्या है, अधातुएं, ये सब अधातुएं हैं। ये अधातुएं क्या काम करती हैं, यहां मैं इंपॉर्टेंट लाइन लिख देता हूं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या ग्रहण करती हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगी बोलो, क्या बनाएंगी बोलो, ऋण आयन बनाएंगी। सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बना रही है तो ये ऋण आयन बनाएंगे। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, सबसे पहले हम क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक मालूम है आप लोगों को कितना होता है? 17 होता है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोरीन पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब क्या है बच्चों, इसका अष्टक पूरा कैसे हो? ये 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले जब हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन बचे ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, जब जाकर के अष्टक पूरा होगा, 7 8 अष्टक हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। बताओ कौन सा रास्ता ज़्यादा ठीक है? बोलो आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? ग्रहण करने का ज़्यादा ठीक लग रहा है कि यार 7 को निकालेंगे तो बहुत ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना एक ऊर्जा लगती है, उसमें ऊर्जा खर्च होती है। इससे बढ़िया है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाए। तो बच्चों क्लोरीन क्या काम करेगी? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। इसने यहाँ ग्रहण करके क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही तो एक आवेश आएगा, 1 आवेश, एक ही आया ना इसके पास। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलेंगे, 2 8 और दूसरे में भी क्या हो जाएगा, 8, ये ऋण आयन बन गया। बोलो पिक्चर समझ में आई? बोलो। इसके बाद हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। एक क्लोरीन का हमने देख लिया बच्चों, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जानते हैं आप? ऑक्सीजन हिंदी में लिख देते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 8 होता है, 8। यहाँ हम ऑक्सीजन लिख रहे हैं, पहले कक्षा में क्या रहेगा बोलो, दूसरे में 6। अब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए, मतलब कहने का मतलब बाह्यतम कोष में, इसका बाह्यतम अगर ये 6 निकाले तो 2 रहेगा बाह्यतम कोष में, तब भी बच्चों स्पेसिस स्थायी होती है। अब इसके लिए क्या सुविधाजनक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो ऑक्सीजन क्या काम करती है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है और क्या बनाएगी बोलो, ऑक्सीजन ऋण आयन। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे इसने? 2। तो यहाँ पर 2 माइनस लिखेंगे और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा बोलेंगे, 2 और 8, हो गया अष्टक पूरा। अब जो मैं बताना चाह रहा था उस पर आप फोकस करेंगे बच्चों, इसमें टाइम लगेगा, ये वाला टॉपिक है थोड़ा, 1-2 पीरियड लगेंगे कम से कम हमारे सीखने में। एक पीरियड में हम इस चीज़ को सीख ही नहीं सकते, है तो सीधा बताने में तो क्या है, 2 मिनट में बता दो, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा ना पिक्चर। फोटो भी बनाने पड़ते इसमें, सोडियम क्लोराइड का और मैग्नीशियम क्लोराइड का और 1-2 और भी हैं, सोडियम ऑक्साइड वगैरह के, इनके फोटो बनाने पड़ेंगे। वो जब भी समझ में आएंगे, जब ये चीज़ सीखेंगे अपन, देखेंगे आप। सबसे पहले धातुएं, एक हमने देखा था अधातुएं, बोलेंगे धातुएं क्या काम करती हैं, इलेक्ट्रॉन को बोलो, इलेक्ट्रॉन का क्या करती हैं बोलो, जोर से बोलो, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाती हैं, धन आयन। और अधातुएं क्या काम करती हैं बोलो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जब ये ग्रहण करेंगे तो क्या बनाएंगी बोलो, ऋण आयन बनाएंगे। अब सुनना ध्यान से, इसी चीज को बोलेंगे, बोलेंगे धातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, गलत आ गया, धातु तो ग्रहण ही नहीं करती हैं, दोबारा बोलो, धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बनाती हैं बच्चों, धन आयन बनाती हैं। इसके अलावा अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋण आयन बनाती हैं।
तो हमें धनायन बनने की हमें प्रोसेस पता चल गई, ऋणायन बनने की प्रोसेस पता चल गई। बच्चों एक चीज होता आयनिक यौगिक, क्या चीज होती है? आयनिक यौगिक। अब यह प्रश्न आता है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल सा है, धनायन एक तरफ तो है, बोलो धनायन, ऋणायन, दोनों के मिलने से, ये तो कौन सा आयन है बोलो, ये कौन सा आयन है? इन दोनों के मिलने से, संयोजन से कौन से यौगिक बनते हैं? तो अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, बोलेंगे धन आयन ऋण आयन के संयोजन से कौन से यौगिक बनते हैं? अब प्रश्न वही आता है परीक्षा में, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? धन आयन और ऋण आयन के संयोजन से जो यौगिक बनते हैं उन्हें, क्लियर? अब एक दो का नाम बताओ भाई साहब, वो उदाहरण दो आयनिक यौगिक कौन सा है। तो अब हम उदाहरण भी दे देते हैं, देखो देख जो ये है सोडियम का धन आयन, बोलो सोडियम ने धन आयन बनाया था कि नहीं बनाया था? भी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, बताया था आपको सोडियम का धन आयन। क्लोरीन ने क्या बनाया था? सोडियम का, तो ये धन आयन है और ये क्लोरीन का क्या ये क्लोराइड ऋण आयन है, दोनों मिलेंगे तो ये सोडियम धनायन मिल गया, ये क्लोराइड ऋणायन मिल गया, तो एक यौगिक बना बच्चों, क्या नाम है उसका? सोडियम क्लोराइड। बोलो क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड कैसा यौगिक है? अब ये दोनों धनायन, धन और ऋण दोनों एक दूसरे ना अपने एक आडी खांचे चे विपरीत ध्रुव के, धन ऋण को आकर्षित करेगा, ऋण धन को आकर्षित करेगा, तो बच्चों इनके बीच में प्रबल बंध बनते हैं। कैसे बंध बनते हैं? प्रबल का मतलब जानते हो? तगड़ा, प्रबल बंध। और इन बंधों का नाम बता सकते हो? कौन से बंधों का नाम क्या है? बोलेंगे स्थिर वैद्युत बंध, बोलो स्थिर वैद्युत बंध। मेरा अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिकों में, आयनिक यौगिक जो बनते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, आयनिक यौगिक में कौन से बंध पाए जाते हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या बंध कह दो, किन किन के बीच में पाए जाते हैं? बोलो धन आयन और ऋण आयनों के बीच में, धन आयन और ऋण आयनों के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं? दोबारा बोलो, जोर से बोलो, धन आयन और ऋण आयन के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं? स्थिर वैद्युत बंध कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं? मजबूत होते हैं। मजबूती का आप कारण जानते हैं? क्यों होते हैं मजबूत? क्योंकि धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से ये बंध बहुत मजबूत होते हैं। एक और बताओ, आयनिक यौगिक का एक उदाहरण देख लिया, दूसरा उदाहरण यार आलते हैं, घंटी ना लगी, टाइम तो हो गया। तो बच्चों ये वीडियो जो बन रहा है, इस वीडियो को तो देखना ही देखना है, इसके बाद का जो वीडियो है वो भी देखना मजबूरी है आपकी, जब भी जाकर के आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा। मान लो ये वाला वीडियो देख लिया और आपने सोचा कि भाई आपने तो टनाटन हो गया, वो समझ में आ गई, कोई समझ में नहीं आया अभी तक, पिक्चर क्लियर हुई नहीं अभी तो, फिल्म अधूरी है। क्या है फिल्म? लक्ष्मी फिल्म क्या है? बोलो जोर से बोलो, फिल्म अभी अधूरी है। इसके बाद का अपन को दूसरा वीडियो मस्ट देखना ही है, जब जाकर के पिक्चर समझ में आएगी। विशाल गोचर, आई बात समझ में? बहुत तू चकरा है यार तू, चल कोई बात नहीं, बस्ता बंद करो, खाना वाना खाओ, मस्त रहो।